हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन स्कूल लेक्चर की सीरीज़ में बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो एनिमल वाला जो पोर्शन है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, उसमें दिया गया है कॉकरोच। तो नेक्स्ट जो मेम्बर है अपना कॉकरोच है, और कॉकरोच का अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो ख़ास तौर से पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं अपन। तो ये इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो आ जाएगा पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। थोड़ा सा इसका अपन सिस्टेमिक पोजीशन देख लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा, क्योंकि इसमें जॉइंट्स लेग्स पाए जाते हैं इसलिए क्रैक्टेरिया इंसेक्टा का है, आर्थ्रोपोडा का है मेंबर है। ऑर्डर ब्लेटोडा, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना अपने को, ब्लेटोडा। फैमिली आ जाएगी ब्लेटिडी, और जीनस इसका आ जाएगा फेरी प्लेनेटा, और स्पीसीज इसकी जो है वो अमेरिकाना। और इसका जो टर्म है, जीनस जो है पेरी प्लेनेटा जो है वो बर्मेस्टर ने दिया था 1838 के अंदर। तो देखो, ये पर्सनल मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किए हैं, तो वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किसी प्रकार की आपको हेल्प होती है, कैसे लगे आपको नोट्स, तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए। आगे अपन देखें, इंडिया में इसकी दो स्पीसीज देखने को मिलती है। एक तो बता ही दिया मैंने आपको, ये पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, और सेकंड आ जाएगी इसका ब्लेटा ओरिएंटेलिस। आगे अपन देखें, यह किस प्रकार का जो एनिमल है वो है, यह रात्रिचर प्रकार का है, क्योंकि खास तौर से ये नाइट के टाइम पे या अंधेरे के अंदर ये निकलते हैं। और कॉकरोच अपन जानते भी हैं जनरली अपने घरों के अंदर या अपने किचन के अंदर खास तौर से ये देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, आपने कभी इनको देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये जनरली उड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये एकदम फास्ट रनिंग करने वाले क्या हैं, एनिमल्स है, ये फास्ट रनिंग करते हैं। इन्हें अपन दौड़ने वाले इंसेक्ट भी कह सकते हैं। तो दौड़ने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कर्सोरियल के नाम से जानते हैं। तो ये किस प्रकार के इंसेक्ट है, कर्सोरियल प्रकार के इंसेक्ट हैं। आगे अपन देखिए, इनकी जो बॉडी है, बॉडी को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ट, ट्रंक या थोरेक्स और एब्डोमेन। तो यहाँ पर तीन पार्ट हो गई, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। तो यहाँ पर आगे अपन देखें इसका नेचर, देखें कि किस प्रकार का है। तो ये ओमनीवेरस प्रकार का है, और ओमनिवर्स का मतलब है ये सर्वाहारी प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ों को ये डाइट के रूप में ले सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फास्ट रनर होते हैं। तो फास्ट रनर जो होते हैं तो वो किस, तो ये जो फास्ट रनर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्रूशियल प्रकार के होते हैं। ये डायोशियस प्रकार के होते हैं, डायोशियस का मतलब है प्रत्येक जो मेंबर है उसमें एक मेंबर मेल होता है और एक मेंबर फीमेल होता है, क्योंकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और ओवोपेरस प्रकार के होते हैं, मतलब ये एग देने वाले मेंबर होते हैं। दूसरी चीज़, इनके अंदर पेरेंटल केयर भी देखने को मिलती है। आगे अपन देखें, इनकी जो बॉडी शेप है, बॉडी शेप कैसी होती है, नैरो होती है, एलोंगेटेड होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है, और बायलेटरी सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है किसी भी एनिमल को बराबर बीचों बीच से यदि दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो दोनों पार्ट एक जैसे निकलते हैं, तो ये बायलेटरल का मेंबर है। आगे अपन देखें, इसमें एग्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों प्रकार के स्केलेटन इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जोस्केलेटन का मतलब है कि बॉडी के बाहर की तरफ एक हार्ड थिक स्मूथ प्रकार का एक कवच पाया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एग्जो स्केलेटन कहते हैं। और ये कवर्ड होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, और प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर ये लगा होता है। ये जो एग्जो स्केलेटन है खास तौर से किसके बने होते हैं, काइटिन या काइटिनियस क्यूटीन के बने होते हैं। ये जो एग्जो स्केलेटन के छोटे छोटे बैंड्स दिखाई देते हैं इसके ऊपर, एग्जो स्केलेटन है वो प्लेट्स के रूप में या बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स के नाम से जानते हैं। तो जो स्क्लेराइट्स हैं वो क्या है, एग्जो स्केलेटन है, जो हार्ड होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो ये स्क्लेराइट्स होते हैं। आगे अपन देखें,
स्क्लेराइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब स्क्लेराइट्स या एग्जोस्केलेटन है वो दोनों साइड में पाए जाते हैं, डोर्सल साइड में भी पाए जाते हैं और वेंट्रिकल साइड में भी पाए जाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डोर्सल साइड में पाए जाने वाला स्क्लेराइट्स है वो कौन सा है, तो यहाँ पर अपन देखो मैंने लिख रखा है कि जो स्क्लेराइट्स है डोर्सल साइड में पाया जाने वाला, तो डोर्सल साइड में कौन सा होगा, टर्जिट, तो ये टर्जाइट्स, तो ये टर्जिट कह सकते हैं अपन, तो टर्जिट जो है वो कौन सा है, डोर्सल साइड में पाया जाता है। जबकि वेंट्रिकल की अपन बात करें तो स्टर्नाइट, तो यहाँ पर ये है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में कौन सा है, स्टर्नाइट प्रकार का है। आगे अपन देखें स्क्लेराइट, आपको याद रखने एग्जोस्केलेटन है दो प्रकार के होते हैं, डोर्सल में टर्जिट पाए जाते हैं और वेंट्रल में स्टर्नाइट पाए जाते हैं। आगे अपन देखें इसकी जो सेगमेंट्स की अपन थोड़ा सा देखें कि सेगमेंट किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो हेड है, हेड की जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं, और जो थोरेक्स होता है उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, और एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक ज़्यादा होता है, मतलब 11 सेगमेंट के आसपास इसमें देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसमें लगभग जो देखें अपन तो 20 सेगमेंट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर इसके 19 सेगमेंट के आसपास प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि किस प्रकार का भक्षण प्रकार का है ये, तो इसमें देखने को मिलता है एक विशेष करेक्टर जिसे अपन स्वजातीय भक्षण भी कह सकते हैं। जैसे स्वजातीय के अंदर अपन देखें तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कैनाबेलिज्म के नाम से भी जानते हैं। कैनाबेलिज्म का मतलब है कोई भी स्पीसीज के ऐसे इंडिविजुअल मेंबर जो अपने ही सदस्य या अपने ही बच्चों को या अपने साथ वालों को भक्षण के रूप में ले सकते हैं, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, कैनाबेलिज्म कहते हैं, अपने ही मेंबर को वो फूड के रूप में अपटेक कर सकते हैं। तो ये नेचर खास तौर से किस में देखने को मिलता है, कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन देखें इसमें हेड वाला जो पोर्शन है वो किस प्रकार का होता है, ओव्यूल प्रकार का होता है, फ्लेटेड होता है। दूसरी चीज अपन देखें ट्रजिट, मैंने आपको पहले बताया था जो डोर्सल साइड के ऊपर एग्जोस्केलेटन होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रजिट बोलते हैं, फ्यूज्ड टू फॉर्म कैप्सूल। ये क्या करते हैं, ट्रजिट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, हेड कैप्सूल बोल सकते हैं अपन। दोनों साइड में लेटरल साइड में, हेड के दोनों लेटरल साइड में क्या होती है, कंपाउंड आई पाई जाती है। जैसे इस प्रकार का यदि स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर अपन देखें कि इस प्रकार का यदि नेचर है तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या होगा, लेटरल आई प्रेजेंट होती है और इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड आई के नाम से जानते हैं। तो लेटरल साइड में दोनों कंपाउंड आई होगी जिसे अपन पेयर ऑफ कंपाउंड आई भी कहते हैं। और यहाँ पर अपन देखें कि तीन जो है वो तीन आई नॉर्मल आई प्रेजेंट होती है, तो इसमें 3 नॉर्मल आई पाई जाती है या सिंपल आई पाई जाती है, जबकि 2 जो है वो लेटरल साइड में कंपाउंड आई देखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड की है कि यहाँ पर हेड वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। कुछ टाइम पर क्या होता है कि जो एग्जोस्केलेटन है इसकी कुछ सेल्स अंदर की तरफ जाकर अंदर की तरफ भी एक एंडोस्केलेटन बना लेती है, और हेड के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, टेंटोरियम के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टेंटोरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो पहली चीज़ टेंटोरियम कॉकरोच के हेड में एंडोस्केलेटन के रूप में पाई जाने वाली की स्ट्रक्चर होती है और क्यूटेनियस की बनी होती है, काइटेनियस की मतलब, और उसी को अपन क्या कहते हैं, टेंटोरियम के नाम से जानते हैं। और किसका करेक्टर है ये, कॉकरोच का एक विशेष करेक्टर है। तो यहाँ पर आ गई पेयर ऑफ कंपाउंड आई और एक पेयर ऑफ इसमें एंटीना भी प्रेजेंट होता है, अपेंडेजेज अराउंड द माउथ, माउथ के दोनों साइडों के अंदर कुछ अपेंडेजेज निकले रहते हैं। टॉप ऑफ हेड, यहाँ पर जो इसकी हेड का जो फ्रंट पोर्शन है
जस्ट ऊपर वाला, उसी को अपन क्या कहते हैं, एक कैप्सुलाइज स्ट्रक्चर होती है उसको अपन कहते हैं वर्टेक्स। तो ये आपको याद रखना, वर्टेक्स जो टर्म है, वर्टेक्स टर्म कहाँ पे पाया जाता है, कॉकरोच के हेड वाले पोर्शन में पाया जाता है, एक कैप्सुलाइज स्ट्रक्चर होती है। ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को अपन देखें कि बीचों बीच में से इसके दो पार्ट जो हैं वो डिवाइड रहते हैं, मतलब बीच में से एक खांच निकलती है जिसके कारण से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इस खांच को अपन क्या कहते हैं, एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो वर्टेक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है किसके कारण से, एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर। तो पूछा जाए तो कि वर्टेक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है किसके कारण से रहता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर। आगे अपन थोरेक्स की बात करें कि जो थोरेक्स जो है वो तीन खंडों के अंदर डिवाइड रहता है। इसमें खंड जो है उसको अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, वन टू और सेकंड की बात कर सकते हैं अपन। दूसरी चीज़ है इसमें लेग्स कितने होते हैं, तो जॉइंट लेग पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा करेक्टर है। कितने लेग होते हैं, तीन पेयर लेग्स पाए जाते हैं। थोरेक्स के प्रत्येक सेगमेंट पर एक लेग पेयर की, या अपन कहें वन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होता है, तो तीन पेयर हो गए। आगे अपन बात करें कि इसमें जो विंग की बात करें अपन, विंग कितने पाए जाते हैं, तो दो जोड़ी जो है वो विंग की पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं। इसमें दोनों जो विंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो मिड सेगमेंट पे और एक थर्ड सेगमेंट पे। फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर विंग नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो लेग है वो तीनों सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके विंग हो गए। आगे अपन देखें श्रृंगिकाएं, पोडोमियर्स कई खंडों से मिलकर बननी होती है, मतलब इसके जो आगे वाले जो पार्ट होते हैं इनकी बात कर रहे हैं ये। आगे अपन देखें इसमें एक आगे वाले जो हेड वाले पार्ट होते हैं, श्रृंगिकाएं होती हैं, इनके अंदर एक करेक्टर पाया जाता है जैसे थिग्मोसेंटर। थिग्मोसेंटर के नाम से भी है कि बाहर का आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको ये क्या कर सकते हैं, महसूस करने के लिए एक्ट एज ए सेंसर के रूप में वर्क करते हैं, जो इसमें देखने को मिलते हैं कॉकरोच के अंदर। तो स्पर्श के प्रति सेंसिटिव होते हैं ये, तो इसे बोलते हैं अपन थिग्मोसेंटर, जो कॉकरोच में पाया जाता है। अब अपन बात करें माउथ की बात करें, तो माउथ में दो ऊपर की तरफ अपन देखें तो मैंडिबल छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और नीचे की तरफ मैगजिला बोन प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर अपन देखें जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये जो दोनों हैं ये दोनों कौन सी हो जाएगी, मैंडिबल हो जाएगी, और ये जो दोनों हैं वो कौन सी हो जाएगी, मैगजिला हो जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगी इसकी जीब, जिसे अपन बोलते हैं हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिनिक्सा, या फिर अपन कह सकते हैं हाइपोफेरिनिक्स। तो ये जीभ के रूप में हाइपोफेरिनिक्स पाई जाती है। यहाँ पर लेब्रम पाया जाता है जो ऊपर वाला लिप होता है, और ये जो होता है वो नीचे वाला लिप होता है, जिसे अपन लेबियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे ऊपर की तरफ तो होती है लेब्रम, ये वाली नीचे वाली होती है लेबियम, फिर दोनों साइड में ऊपर की तरफ जो पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं मैंडिबल, और दोनों जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मैगजिला बोन। तो इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन देखें ऊपर की तरफ मैंडिबला या मैंडिबल। तो मैंडिबल देखो खास तौर से चबाने और काटने के रूप में यूज में आने वाला पार्ट है, हेड में पाया जाता है, माउथ का पार्ट है। किसके लिए काम आता है, कई बार पूछा जाता है मैंडिबल का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, तो ये चबाने और काटने के लिए यूज में आते हैं। और दूसरी चीज़ अपन देखें तो मैगजिला जो है वो क्या काम आता है, मैगजिला खास तौर से जो फूड पार्टिकल्स आए हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के काम आते हैं, मतलब जो पार्ट बड़े हैं फूड पार्टिकल उनको छोटे पार्ट में तोड़ने में काम आते हैं। और इसमें दो प्रकार के लिप पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ मैंने बताया आपको लेब्रम और नीचे की तरफ लेबियम पाया जाता है। बीच में जो होती है उनमें जीभ लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। तो यहाँ पर हाइपोफेरिंक्स है। इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर जो है मैगजिलरी पल्प, तो ये जो मैगजिलरी पल्प है इसका मेन फंक्शन क्या है, क्वालिटी
टेस्ट ऑफ फूड, फूड की जो क्वालिटी है उसको चेक करना इसका मेन काम है। आगे बात करें अपन, इसकी जो बॉडी कैविटी है उसे अपन क्या कहते हैं, हीमोसील के नाम से जानते हैं। हीमोसील इसका मतलब है कि इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार का है, ओपन प्रकार का है। इसमें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर नहीं बहता है, तो ये ओपन प्रकार का सिस्टम होता है। और ब्लड जो है इसमें हीमोसील प्रकार की कैविटी के अंदर घूमता रहता है, जिसे हम हीमोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स जो खास तौर से जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसमें हीमोलिम्फ देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ अपन बात करें कि कॉकरोच का जो हर्ट है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर हर्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, ये विशेष तौर से आपको याद रखने हैं। इसका हर्ट कैसा है, न्यूरोजेनिक है, मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी चीज़ है, हर्ट जो होता है वो कितने चैम्बर में, 13 चैम्बर में डिवाइड रहता है या 13 चैम्बर से मिलकर बना होता है, ये भी आपको विशेष याद रखना है। ब्लड पिगमेंट की बात करें अपन, कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें अपन तो कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन एरोबिक की बात करें अपन तो ये किस प्रकार का होता है, ट्रेकिया सिस्टम के द्वारा होता है, मतलब श्वास नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स जो होती है, ट्यूब्स जो होती है वो बाहर की तरफ निकली रहती है। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रेकिया है ये कितने पेयर पाए जाते हैं, थोरेक्स के ऊपर पाए जाते हैं और 10 पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ट्रेकिया कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं। इसमें से देखो 10 पेयर जो है वो थोरेक्स के ऊपर पाए जाते हैं व 8 पेयर जो है वो एब्डोमिनल के ऊपर पाए जाते हैं, और प्रत्येक के ऊपर वाल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन कैसा हुआ, एरोबिक हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया के 10 पेयर तो थोरेक्स पे पाए जाते हैं और 8 पेयर जो है वो एब्डोमेन पे पाए जाते हैं, प्रत्येक के ऊपर वाल जो है वो प्रेजेंट होता है। आगे अपन देखें, इसमें हार्ट का मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो हार्ट है वो कितनी है, 13 चैम्बर है हार्ट है वो 13 चैम्बर्ड होता है। इसमें देखो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हार्ट के अलावा, वो कॉकरोच की एक विशेष करेक्टर है, पल्सेटाइल वेसिकल। देखो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पल्सेटाइल वेसिकल्स है वो कहाँ पाई जाती है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। ये खास तौर से जो एंटीना होता है उसके बेस में पाई जाती है, एंटीना के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये एक स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसमें खास तौर से जो सिलोमेटिक फ्लूड है, मैंने पहले बताया था आपको इसके अंदर हीमोग्लोबिन जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, और सिलोमिक फ्लूड जो है सिलोम पाया जाता है, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर लिम्फोटिक जो अपन ब्लड नहीं कह सकते उसको, लिम्फेटिक जो लिक्विड है वो पाया जाता है, और उसी को सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर पल्सेटाइल वेसिकल बोलते हैं। इसी को पल्सेटाइल जो वेसिकल है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक हार्ट के नाम से भी जानते हैं, ये लिम्फेटिक हार्ट के नाम से जानते हैं। अब अपन देखें यहाँ पर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की, जो कॉकरोच है उसके अंदर एक्सक्रेशन कौन सा होता है, पहली चीज़ तो होता किस प्रकार का, यूरियोटेलिज्म या यूरियोटेलिक प्रकार का होता है, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड है उसको सिक्रेट किया जाता है, और यूरिक एसिड कोई भी सिक्रेट करते हैं, जैसे बर्ड है, रेप्टाइल्स है और कॉकरोच है, तो इनमें क्या किया जाता है, वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन करने के कारण से सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड को सिक्रेट किया जाता है। इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है खास तौर से मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, और मेलपिजियन जो ट्यूब्यूल्स है वो कहाँ पे पाई जाती है, कई बार इसकी पोजीशन पूछी जाती है कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो ये मिड गट और हिंड गट के बीचों बीच में देखने को मिलती है, मिड गट और हिंड गट के बीच में प्रेजेंट होती है। और ख़ास तौर से बात करें अपन कि ये जो प्रेजेंट होती है, तो इसमें कितनी मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, तो लगभग 150 मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स दे है वो देखने को मिलती है। यूरोटेलिक मैंने आपको बता ही दिया। आगे अपन देखें कि मेटामॉर्फोजेनेसिस की अपन बात करें, मेटामॉर्फोजेनेसिस की मतलब है कि कोई भी जो स्टेज है, लार्वल स्टेज है, वो धीरे धीरे डेवलप होना, मोल्टिंग होना, उनमें धीरे धीरे करेक्टर से विकसित होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब धीरे धीरे एम्ब्रियो से लेकर एक एडल्ट की जो आकृति आती है
उसमें धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। यहाँ पर देखें कि इनकम्प्लीट प्रकार का होता है मेटामॉर्फोसिस। इसमें दो प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कॉकरोच के अंदर। एक होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे अपन बोलते हैं एडाइसोन या इकडिसोन के नाम से जानते हैं, एकाइडोसोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड, और कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है जुवेनाइल हार्मोन। और जुवेनाइल हार्मोन का जो मतलब है वो उसको जो लार्वल कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब यदि कॉर्पोरा ग्लैंड को आप निकाल दिया जाए या एलाटा ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो वो जो लार्वा जो होता है वो क्या होता है, लार्वल कंडीशन के अंदर ही क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। मतलब लेकिन वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन उसमें विकसित हो जाएंगे लेकिन फिर भी उसी को अपन क्या बोलते हैं, नियोटेनी के नाम से जानते हैं, तो जुवेनाइल हार्मोन के लिए। और दूसरा अपन बात करें प्रोथोरेसिक ग्लैंड जिससे अपन एकाइडोसोन जो मोल्टिंग के लिए विशेष तौर से रेस्पॉन्सिबल है। इसमें अपन देखें कि एक कॉकरोच के अंदर एक विशेष प्रकार की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसको विशेष तौर से ऐड किया है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिड गट में प्रेजेंट होती है या मिजेंट्रोन में प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़, ये किस प्रकार की मेम्ब्रेन होती है पेरिट्रोफिक होती है, वो पोरस प्रकार की या मेस प्रकार की, नेट प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, उनमें हल्के हल्के छिद्र देखने को मिलते हैं। इट हेल्प मिजेट्रोन फ्रॉम द हार्ड फूड पार्टिकल, ये हार्ड फूड पार्टिकल से इसको क्या करके हैं, मिजेट्रोन को बचा के रखते हैं। और मेडअप किसकी बनी होती है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, तो ये बनी होती है काइटिन माइक्रोफाइब्रस की बनी होती है, और ख़ास तौर से इसमें कुछ प्रोटीन के मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं जिसे अपन कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ अपन देखें, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच, कि जो कॉकरोच है उनकी जो फंक्शनल यूनिट है या यूनिट ऑफ कंपाउंड आई कौन सी है, तो इसे अपन कहते हैं ओमेटीडियम, तो इसे ओमेटीडियम के नाम से जानते हैं, जो इसकी क्या है, एक फंक्शनल इकाई है। किसकी है ये फंक्शनल इकाई, कंपाउंड आई की है। इसकी जो शेप है कंपाउंड आई की वो कैसी होती है, डार्क किडनी शेप्ड होती है, और मेडअप ऑफ किसके द्वारा बनी होती है, तो हेक्सागोनल यूनिट से बनी होती है, और ये हेक्सागोनल यूनिट किसके, वही क्या कहलाते हैं, ये ओमेटिडा कहलाते हैं। तो ये ओमेटिडा किसका करैक्टर है, कॉकरोच की कंपाउंड आई का विशेष करैक्टर है। एंटीना की बात करें कि एक एंटीना जो होता है उस एंटीना के अंदर कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर, तो यहाँ पर लगभग काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं, इनमें 140 सेगमेंट के आसपास देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखें, विंग्स जो है वो मैंने आपको दो प्रकार के बताए हैं, पहले विंग जो है वो मेजेथोरिक्स मतलब सेकंड नंबर सेगमेंट के ऊपर थोरिक्स के, और सेकंड जो विंग्स पेयर है वो कौन से पे होते हैं, हिंड मतलब थर्ड नामक जो है सेगमेंट थोरिक्स का, थर्ड सेगमेंट जिसे अपन कहते हैं मेटाथोरिक्स। तो मेजेथोरिक्स और मेटाथोरिक्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो मेजेथोरिक्स पे पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, टैगमिना के नाम से जानते हैं, तो ये टैगमिना है। और दूसरी चीज़ अपन बात करें मेटाथोरिक्स के ऊपर जो सेकंड पेयर पाया जाता है वो कैसा होता है, नेरो होता है, डार्क होता है, ओब्लिक होता है, फेदरी मतलब पंख नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो खास तौर से इसको फास्ट दौड़ाने के रूप में यूज में लिया जाता है। आगे अपन देखें, इसमें मैंने आपको बताया था एक ग्लैंड जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोलेट्रिकल ग्लैंड, कोलेट्रिकल ग्लैंड प्रेजेंट इन थर्ड एंड फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें एक विशेष प्रकार की ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड, और कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर पाया जाता है, ख़ास तौर से किसमें पाया जाता है, ये फीमेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ये कोलेट्रियल जो ग्लैंड है वो हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ एग, एग के सिक्रेशन में हेल्प करता है, इन केस ऑफ
उथिका, उथिका का मतलब पहले से वो कवर्ड हो, थिक हो, मोटा हो, उस एग को अपन क्या बोलते हैं, उथिका। तो यहाँ पर देखें अपन, एसोसिएटेड विद फीमेल जेनिटेलियल एपरेटस, ये ग्लैंड जो किससे एसोसिएटेड है अगर पूछा जाए, कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो फीमेल के जेनिटल एपरेटस से संबंधित है और ख़ास तौर से एग के सेक्रेशन या एग को डिस्चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसमें अपन बात करें कि जो एग है वो किस प्रकार का नेचर वाइज होता है योग की अमाउंट के आधार पर, तो ये सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है, मतलब सेंटर के अंदर योग प्रेजेंट होता है और क्लीवेज हमेशा पेरिफेरियल होता है। दूसरी चीज़ देखें, मोस्ट स्वेलन सेगमेंट की जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो लेग है उसमें सबसे ज़्यादा जो थिक वाला पार्ट है ये लेग है, लेग में सबसे मोटा जो पार्ट है वो कौन सा होता है, कोक्सा होता है। कोक्सा जो होता है सबसे पहला वाला फर्स्ट होता है पार्ट होता है और मोटा पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये इसके पार्ट्स लिखे हैं, यहाँ पर देखो कोक्सा, ट्रोकेंटर और टीबिया, ये इसकी लेग के फ्रेगमेंट है या सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा मोटा जो पार्ट होता है वो होता है कोक्सा। अब इसमें ग्लैंड मैंने पहले भी बता दिया आपको, फिर भी एक बार इसमें ग्लैंड अपन थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एक ग्लैंड होती है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है और ये पेयर ऑफ एंडोक्राइनिक ग्लैंड है, पेयर के रूप में पाई जाती है। लोकेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो प्रोथोरेक्स वाले पार्ट में पाई जाती है, हेड वाले पार्ट में पाई जाती है, इसलिए इसे प्रोथोरेसिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा रिलीज हार्मोन जो कौन सा है वो एक्किसोन है या एक्डिनसोन, एक्डिसोन के नाम से भी जानते हैं। और एक्डिसोन जो है वो किस प्रकार का है, एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो खास तौर से मोल्टिंग के अंदर यूज में आता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, मोल्टिंग के रूप में यूज में आता है, मतलब अलार्वल की जो धीरे धीरे स्टेज चेंज होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। दूसरी जो ग्लैंड है खास तौर से मैंने पहले बताया था आपको, कॉर्पोरा एलाटा है जो ब्रेन के अंदर सिग्नल सेंड करती है, और ब्रेन में जैसे सिग्नल सेंड करती है तो ये सिक्रीट करती है एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे अपन कहते हैं प्रोथोरेसिक या प्रोथोरेसिक कोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये रिलीज किया जाता है और किसके ऊपर जाके एक्ट करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और ये वहाँ एक्ट करते ही वो एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होते ही हार्मोन रिलीज करेगी, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, तो यहाँ पर एक्डिसोन हार्मोन रिलीज करेगी जिसके कारण से मोल्टिंग जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मोल्टिंग को इंड्यूस करने के लिए काम में आता है। इस प्रकार से इसके मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। इसमें एक स्ट्रक्चर देखो, लास्ट छोटी सी बचरी है ये क्लेपियस, CLYPEUS क्लेपियस पार्ट ऑफ हेड, ये हेड में पाई जाती है। और ये किसका पार्ट है, ये स्क्लेराइट, मतलब जो एग्जोस्क्लेटन है स्क्लेराइट की उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, स्क्लेराइट का एक टाइप है जो हेड में पाया जाता है कॉकरोच के। दूसरी चीज़ अपन देखें लास्ट इसके अंदर कि जो कॉकरोच होता है उनमें एक स्मेल आती है अलग ही टाइप की, उसे अपन क्या बोलते हैं, पग्नेट स्मेल, या पग्नेट जो स्मेल है ये स्मेल किसके कान से आती है, तो ये खास तौर से सिक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स के रूप में स्मेल देखी जाती है। ये स्मेल जो होती है वो किसके कान से होती है, कॉकरोच के द्वारा रिलीज किया गया फेरोमोन्स। और फेरोमोन्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी लो सब्सटेंस क्वांटिटी के अंदर डिस्चार्ज किया गया केमिकल सब्सटेंस जो खास तौर से एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बिहेवियर के चेंजेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स बोलते हैं। तो आज के लिए अपना ये जो टॉपिक है कॉकरोच का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कॉकरोच का टॉपिक पसंद आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए ताकि आपको मैं कमेंट में वो रिप्लाई दे सकूँ। अगला वीडियो अपन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।